नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश जाट और आज मैं आया हुआ हूँ एनवीटी। आज के समय में जो ब्रांड बना हुआ है एहलाबाद हरियाणा के अंदर, आज मैं आप पहुँचा हूँ और इस मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सर ने जो शुरुआत करी हुई है मशीन की, वो की हुई है मूंगफली थ्रेसर से। वहाँ से लेके आज तक जो एक ब्रांड बना हुआ है कि थ्रेसर मतलब एनवीटी, यहाँ तक कैसे पहुँचे संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारे साथ है एनवीटी के ओनर मक्खन सिंह जी हंजरा। नमस्कार सर। नमस्कार चौधरी साहब। दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन किसान भाइयों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम, वेलकम। तो सर, आपने मेरे को पहले बताया कि सर मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है थ्रेसर के मामले में, वो आपने स्टार्ट की थी मूंगफली से जी। और आज 2023 के अंदर जो जर्नी आपने बनाई है, तमाम तरह के थ्रेसर आपने निकाले हैं, बैक टोकरी, साइड टोकरी, ग्राउंड नट, पेडी मल्टी क्रॉप, तो जिस जर्नी से आपने स्टार्ट किया है उस मॉडल के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ग्राउंड नट थ्रेसर डबल फैन डबल व्हील की अगर बात करें तो इससे पहले ऊपर टोकरी लगती थी। अच्छा। स्टार्टिंग में इसको ऊपर टोकरी थी और साइड में फट्टा लगा था, 8-7 फुट ऊंची थी। अच्छा। किसान जो चैन बना करके एक दूसरे को पकड़ा के इसके अंदर वो माल डालते थे। बिल्कुल। वहाँ पर मजदूरों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। इसके बाद क्या हुआ, किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इसकी साइड में डोली करी और किसानों को उसकी काफ़ी फायदा मिला। अच्छा। डोली यहाँ खड़ा खड़ा किसान जो 10 मजदूर काम करते थे, केवल 2 मजदूरों से ही काम चलने लग गया। तो सर, आपने मॉडल निकाला है किसानों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए साइड टोकरी जी, ग्राउंड नट थ्रेसर जी। तो इसमें सर किसान भाइयों को जो फायदा मिलेगा जी, वो मिलेगा एक तो माल डालने का, बिल्कुल टोकरी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों को जी। दूसरी अगर अपन बात करें कि किसान भाइयों को इसमें डालने के बाद जो धूल मिट्टी उठती है जी, उसके लिए क्या प्रदान किया सर? देखो, वो पंखा ऊपर से फोल्डिंग किया हुआ है, ये वाला वो पंखा नीचे हो जाएगा। अच्छा। उस पंखे से हवा जो है इसमें जो है मजदूरों पे नहीं लगेगी और इसके जो धीरे स्टेप वाइज स्टेप बदलाव हुए, चाहे एलिवेटर लगाया गया इसके अंदर, चाहे ये डबल व्हील किया गया, चाहे डबल फैन डबल व्हील किया गया, या रिवर्स गियर इसके अंदर लगाया गया, या सिंगल फैन डबल व्हील के अंदर किया गया, या डबल फैन सिंगल व्हील में किया गया, ये इनको बदलाव करते करते इसको शिखर तक जो पहुँचे वो डबल फैन डबल व्हील। जैसे आपने अगर जर्नी की बात करी तो इसके अंदर ये इसके एक और मॉडल भी है, मॉडल दूसरा, उसमें रिवर्स गियर भी लगता है। बिल्कुल सर। सर, साइड टोकरी की बात हो गई जी, तो सर रास्ते के अंदर कभी कभी दिक्कत आती है साइड टोकरी की, सर इसको फोल्ड करना पड़ता है जी, तो उसके लिए भी अगर आपने वो देख सकता हूं कि आपने एक हैंडल लगाया हुआ है जी, तो सर क्या ये बिल्कुल आसान तरीके से सिंगल आदमी कर सकता है? बिल्कुल, इसको सिंगल आदमी कर सकता है, आराम से घुमा के जो है डोली को ऊंचा कर लेगा। दूसरी सबसे बड़ा जो इसके अंदर ये देखो, ये उसकी जो सीप वाली शाफ्ट है उसके साथ में इसको ज्वाइंट कर दिया और इसके ऊपर ये आइटल भी लग गया। बिल्कुल लग गया। अच्छा, ये और बेल्ट को दाब लगाने इसके दबाव से जो है डोली ऊपर चली जाएगी। लेकिन किसान भाइयों को ये बात बता देना चाहते हैं कि जब डोली को ऊंचा करना हो तो ये साइड वाली जो बेल्ट है, अच्छा, इसको जो है ऊंचा बेल्ट उतार दें साइड वाली, कहीं ऐसा ना हो कि डोली जो 4 मुंह वाली 6 मुंह बन जाए इसकी। किसान भाई, आपको ध्यान करना है जो साइड के अंदर जो 2 बेल्ट है आप देख सकते हो, ये वाली आपको हटानी है। हाँ, इसके बाद ये वाली बेल्ट हाँ, मेन सापट में जो लगी हुई है इसके लिए जी। इसके अलावा अगर टायरों की बात करें तो अपने कंपनी के टायर इसमें लगे हुए हैं, जेके कंपनी के टायर हैं। और इसका क्या हुआ था कि कई बार किसानों ने इसको पलटी मरवा दिया, लापरवाही से कह लो, कैसे भी कह लो, लेकिन इसके बाद में हमने एक्सल को चौड़ा किया और इसके हैवी रिम लगाई, हैवी रिम और हैवी ड्यूटी का जो एक्सल है, ताकि मशीन जो है उबड़ खबड़ रस्तों के अंदर जो पलटा ना खा सके। सर, इसके अलावा बात करें जो माल डोली के अंदर जाएगा जी, और उसका जो वेस्ट आइटम है, जो वेस्ट कचरा है जी, पीछे से निकलेगा। हाँ बिल्कुल, पीछे से आएगा ना। तो इसमें अगर किसान भाइयों को अगर कोई सेटिंग करने में, मैं देख सकता हूँ कि इसमें आपने फोल्डिंग सिस्टम दिया हुआ है जी, तो इसके बारे में आप किसान भाइयों को बताइए कि सर आप कैसे इसको घर पे काम में ले। इसकी पंखे की हवा की सेटिंग की जाती है। अच्छा। अगर मूंगफली थोड़ी बहुत पीछे आती है तो इस डाले को अंदर दबा दें एक होल, ताकि जो मूंगफली है वो नीचे चलने चले जाए। बिल्कुल, और पीछे नहीं आए। हाँ, पीछे नहीं आए। बाकी ये पंखा, इसको ढक्कन है, इसको ऊंचा करके नीचा करके हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इसकी पूरी की पूरी सेटिंग की जानकारी है NVT YouTube चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को बताई गई है। सर, टूल बॉक्स की बात करें जी, तो इस टूल बॉक्स के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें क्रॉस लगाया हुआ है, क्रॉस है। इसके अलावा टूल किट की बात करें जी, तो किसान भाइयों को बहुत डिमांड होती है कि सर हम घर के ऊपर मशीन की सेटिंग कर नहीं पाते हैं जी, तो आज किसान भाइयों का बता ही दें जी, टूल बॉक्स में आप क्या देने वाले? देखो, NVT का कोई भी प्रोडक्ट है, किसान भाइयों को ये बताते हैं कि इसकी टूल किट साथ में दी जाती है। बिल्कुल। इसमें ग्रीस गन भी है, जरूरतमंद के जो चाबी पाने हैं, ताकि किसान भाइयों को दिक्कत ना हो। किसान भाइयों, मशीन के साथ कंपनी ने आगे से ही एक टूल किट का प्रावधान किया हुआ है,
जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और बात करें वापस मशीन के बारे में जी, तो ड्रम के ऊपर सर हम ब्लेड देख पा रहे हैं जी, तो सर ये ब्लेड का जो काम है क्या ये गीले माल को निकालने के लिए आपने लगाया हुआ है? बिल्कुल, देखो किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मौसम खराब हो जाता है, थोड़ी बहुत माल में नमी आ जाती है, अगर इसके अंदर ब्लेड हैं तो वो ताकि वो बेले हैं वो आसानी से कट जाती है, ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ता है और किसानों को अपना जो खेत है थोड़ा बहुत नमी वाला वो बीच में छोड़ के नहीं आना पड़ता। सर एक और मेरे दिमाग में बात रह गई जी कि जो कंट्रोलिंग करते हैं किसान भाई हवा की जी, वो करते हैं पीछे से जी, बहुत सी बार क्या होता है कि किसान भाई के अगर ट्रैक्टर चेंज कर लेते हैं, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि उसके बाद मान लो मेसी ट्रैक्टर था जी, फिर उन्होंने दूसरा ट्रैक्टर ले लिया जी, तो फिर वो बोलते हैं कि सर पहले मैं मशीन से चल रही थी जी, जैसे मैंने ट्रैक्टर चेंज किया जी, तो मशीन ट्रैक्टर पे लोड मार रही है या सही नहीं निकाल रही है, तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम कर रखा है? देखो उसके लिए अगर किसान भाई जो है, पहली बात तो वो पंखे की पुली चेंज करके उसकी सेटिंग की जाती है बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि जिस ट्रैक्टर के आरपीएम थ्रेसर के साथ सेटिंग पे नहीं चलेंगे हाँ। वो थ्रेसर सही वर्किंग नहीं कर पाएगा, ट्रैक्टर के और आरपीएम के मिलना अति आवश्यक है, ये किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ। तो किसान भाइयों सर ने बताया कि आपके पास जो थ्रेसर है सबसे पहले आपको अपने ट्रैक्टर के बारे में बताना पड़ेगा कि हमारे पास सर इस कंपनी का ट्रैक्टर है, तो उसी आरपीएम के अकॉर्डिंग आप मशीन तैयार करते हो? बिल्कुल, वो उसी मशीन तो सभी बराबर ही तैयार होती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आरपीएम का मिलान उसी साथ होता है। समझ गया मैं आपकी। तो किसान भाई आपको ध्यान करना है कि आपको आरपीएम के बारे में जरूर बताना है कि आपके पास कितने आरपीएम का ट्रैक्टर है, जिससे आपके मशीन के अंदर कोई टेंशन नहीं हो, कोई तकलीफ आपको सीजन के अंदर नहीं आए जी। सर मशीन की ऑल ओवर बात हो गई, व्हील की आपने बताई दी कि सर ये डबल व्हील के आप इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी साइड टोकरी की बात करें ओनली जी, तो इसमें कितने मॉडल है सर? देखो साइड टोकरी के अंदर तो डबल फैन और डबल व्हील का मॉडल, डबल व्हील हो गया और सिंगल फैन सिंगल व्हील हो गया, सिंगल फैन सिंगल व्हील हो गया और डबल फैन सिंगल व्हील हो गया और उसके बाद में डबल व्हील सिंगल फैन हो गया, तो किसान इसके बाद में रिवर्स गियर हो गया। पेन में तो चार मॉडल है और रिवर्स गियर का पांचवा मॉडल है, पांचवा मॉडल, कहने का मतलब आपके पास पांच मॉडल अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान भाई अपने अकॉर्डिंग इसको खरीद सकता है, ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों आज सर ने जिस जर्नी से स्टार्ट किया वो मॉडल आपको बताया, सारी जानकारी आपको सर ने बताई कि किस प्रकार हमने इसको लॉन्च किया है, कैसे आपको इसको ऑपरेट करना है जी, संपूर्ण जानकारी सर ने आपको दी जी। और जो जानकारी अधूरी रह गई होगी तो सर ने एक चैनल बनाया हुआ है एनवीटी थ्रेसर के नाम से जी, उसके ऊपर सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं सेटिंग के बारे में, आप वहाँ जाइए और वो वीडियो देख सकते हैं, घर बैठे आप सेटिंग कर सकते हैं जी जी। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नज़दीकी डीलर के पास जाके ये मशीन खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंस की सुविधा भी है और किसान भाइयों सर्विस की सर कह रहे हैं कि सर्विस के मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में प्रोडक्ट होगा उसको एनवीटी की ओर से सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो डीलर के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से। तो किसान भाइयों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय किसान।